देखिए, थाना बारादरी में कल दो FIR पंजीकृत की गई थी, जिसमें दो घटनाएं हुई थी। एक आजाद मस्जिद के पास दो युवकों के साथ मारपीट की घटना कारित हुई थी और दूसरी घटना शामतगंज पर ही हुई थी, जिसमें दो अन्य युवकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। और CCTV कैमरा के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल का जो विषय हुआ है उसी घटनाक्रम के संदर्भ में आगे की कुछ कार्रवाई के विषय में आए हैं। हमारा उनसे ये कहना है कि अगर कोई गुंडागर्दी शहर में करता है तो प्रशासन उसको जेल में डाल देता है। IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। उसके बाद उनके समर्थकों ने थाना बारादरी क्षेत्र में जमकर उत्पात किया था। इसी को बातचीत करने के लिए मेरे साथ में SV City मौजूद है। सर, कल की जो घटना है उसको लेके सर आप क्या किस तरह से फोर्स के इंतजाम किए गए हैं, क्या कोई FIR भी दर्ज की गई है? देखिए, थाना बारादरी में कल दो FIR पंजीकृत की गई थी, जिसमें दो घटनाएं हुई थी। एक आजाद मस्जिद के पास दो युवकों के साथ मारपीट की घटना कारित हुई थी, उनमें युवकों का मेडिकल करवा दिया गया था, उनको सामान्य इंजरी थी और मेडिकल के पश्चात उनके द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंग धाराओं में थाना बारादरी पर मुकदमा पंजीकृत हो गया था। और दूसरी घटना शामतगंज पर ही हुई थी, इसमें दो अन्य युवकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, उसमें भी सामान्य चोट लोगों को थी और उसमें भी मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। और CCTV कैमरा के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और फोर्स का व्यवस्थापन कल की तरह आज भी रहेगा, और कल की तरह जो हमने शहर क्षेत्र को जोन और सेक्टर्स में बांट रखा था, आज भी उस तरह का पुलिस का व्यवस्थापन सारे महत्वपूर्ण चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में रहेगा। सर, आज कुछ हिंदू संगठन के लोग भी आए थे, उनकी क्या? कुछ व्यक्ति हमारे पास आए थे जिन्होंने ज्ञापन दिया है, जो कल का घटनाक्रम था उनमें उनमें कुछ रोष था, तो उसमें कार्रवाई को लेकर उनकी मांग थी, तो उचित माध्यम से उस ज्ञापन को भिजवा दिया जाए। सर, का कुछ लोगों के लिए अभी हिरासत में भी लिया गया, जिस तरह से FIR दर्ज हुई कल लोगों में? देखिए, लोगों को CCTV फुटेज और जो हमारे ड्रोन कैमरा उड़ रहे थे उनके माध्यम से उनका चिन्हांकन लगातार किया जा रहा है। चिन्हांकन के बाद टीम भी बना दी गई है और लगातार पुलिस उनकी गिरफ्तारी में लगी हुई है। तो ये थे SPT राहुल भाटी, का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की व्यवस्था की ये दो जोन में बांटा गया है और कुछ लोगों की CCTV कैमरे से उनका पहचान भी किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। ये आप लोग क्यों मिलने आए हैं, शिकायत क्या है आपकी? देखिए, शिकायत तो सारा सब कुछ पता है, आज के सारे अखबार नहाए हुए हैं और ये लगातार होता है। नहीं नहीं, शिकायत आज हमारा ज्ञापन था और भी कुछ समस्याएं थी, उसके विषय में अभी मंत्रालय करने आए थे, कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। शिकायत क्या है, आप यहाँ आए हैं विशिंदु पर? कल का जो विषय हुआ है उसी घटनाक्रम के संदर्भ में आगे की कुछ कार्रवाई के विषय में आए हैं, कुछ हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को शेयर करने आए थे। अभी मामला संवेदनशील है इसलिए ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। गुंडे कराइए तौकीर रजा खान ने कल शहर में जितनी उपलब्ध करवाया है, तौकीर रजा खान वो भी गुंडा है एक, और उसके गुंडों ने उपलब्ध कराया, श्यामगंज बाजार को लूटा है कल, वहाँ पे मारपीट करिए, लोगों को फोड़ा है, और उसका ऐसा नहीं, हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा अगर यही उपलब्ध करते रहे आगे भी। अगर तौकीर रजा खान तो ऐसा नहीं, हिंदू जवाब देना नहीं जानता है, जब हिंदू अगर जवाब देने को खड़ा हुआ तो वो कहते हैं हम मार देंगे, तो छोड़ेगा हिंदू भी नहीं उन्हें। देखिए, क्या कार्रवाई क्या कराने के लिए है मांगा? कार्रवाई ये है कि उसको NSA में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बंद करा जाए, उस पर मुकदमा लिखा जाए, उसको जेल में डाला जाए तौकीर रजा खान को। देखिए, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को गाली दे दी, उन्होंने अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को गाली दे दी। अभी उसी क्रम में पिछले 10 दिन से उन्होंने विशुंधु परिषद के बारे में बोलना शुरू किया है। जब से राम मंदिर के बारे में जब हमारी व्यवस्थाएं सब ठीक हो गई तो उन्होंने विशुंधु परिषद और बजरंग दल के बारे में बोलना शुरू करा है। तो अब सारे हमले हमारे ऊपर हैं, तो अब हमको देखना है क्या करना है, क्योंकि विशुंधु परिषद आपकी मांग क्या है? नहीं, अभी सारी मांगों की मांग तो सारी जो समाज की है वो ये है, उन्होंने भीड़ के अंदर ये कहा कि हमें अपनी जान बचाने के लिए हमला करने का अधिकार है। ऐसा कौन नहीं जानता, सबको पता है, लेकिन भीड़ में अपने लोगों के बीच के अंदर उन्होंने ये कहने का मतलब क्या है? उन्होंने हर तरीके से आक्रोशित करने की कोशिश करी, वो तो समाज और प्रशासन की वजह से हम लोग बच गए। शामतगंज की जो दुकानें हैं खुली छोड़ के लोग गए और लूटने की पूरी व्यवस्था थी, बस प्रशासन की थोड़ी सी अच्छे उसकी वजह से कल की दुर्घटना बच गई है। मतलब किसी तरीके की कोई तहरीर दी है आपकी तरफ से? नहीं, तहरीर अब की बार पहले की तरह तहरीर नहीं दी जाएगी, कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, अब की बार और तरीके की कार्रवाई की जाएगी जिसके विषय में हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। क्या नाम? हमारा राजकुमार राजपूत, विश्वंतु प्रसाद विभाग उपाध्यक्ष। क्या मामला है और क्या चाह रहे हैं आप? हम जो है प्रशासन से मांग करने गए थे, SSP साहब से मिले हैं, SPCD साहब से मिले हैं, हमारा उनसे ये कहना है कि अगर कोई गुंडागर्दी शहर में करता है तो प्रशासन उसको जेल में डाल देता है।
कल मौलाना तौकीर राजा खान ने भी शहर में गुंडागिर्दी करवाई है, लोगों की दुकानें लुटवाई हैं, लोगों का सर फोड़वाए हैं, मारपीट करी है, आगजनी की गई है, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन का धन्यवाद है कि उन्होंने कल शहर में बहुत बड़ा बलवा होने से बचाया है। और हमारी यही मांग है कि मौलाना तौकीर राजा खान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, नहीं तो हिंदू समुदाय भी चुप नहीं बैठेगा। अच्छा, अब आपने क्या पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? पुलिस प्रशासन ने, SSP साहब ने 2 दिन का समय मांगा है कि हम उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करी जाए। क्या पद है आपका? राजकुमार राजपूत, विश्व हिंदू परिषद विभाग उपाध्यक्ष। कितने लोगों के साथ मारपीट की थी, क्या दुकान लूटी थी? दुकानें, एक तेल के व्यापारी हैं, उनके नौकर का सर फोड़ दिया, जो 200-250 लोगों की भीड़ आई, उनके हाथ में ईंट पत्थर थे। सरदार जी हैं हरप्रीत सिंह, उनको मारे गए, स्कूटी तोड़ी गई, एक मोटरसाइकिल तोड़ी गई है, फूल वालों के साथ मारपीट करी गई है, उनके फूल फेंक दिए, कई एक दुकानों का सामान घी के पीपे तेल के फेंक दिए गए। वहाँ पे बड़ा काफ़ी अफरा तफरी श्यामगंज बाज़ार में कल मचाई है। भाई मैं भी वहीं कारोबार करता हूँ। भाई